मनीष चौहान का फोन आ गया। पुलिस भाई के लिए जान दे रहे, आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये तो नहीं गायब हो गए। गायब वोट तो आप ही ने दिया पिछली बार, और गायब गायब। कैराना लोकसभा सीट है जो यूपी से काफी हॉट सीट मानी जाती है। इस बार यहाँ से तीन प्रत्याशी है, मृगांगा सिंह है, प्रदीप चौधरी जो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं, तीसरे मनीष चौहान है। इस बार यहाँ की जनता किसको समर्थन करने वाली है, किसको बीजेपी टिकट देगी, भरोसा किसके ऊपर है जनता से, इनसे बात करेंगे और जानेंगे इस बार का यहाँ का मुद्दा क्या है। ये बताइए, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में राज्य में कितना बेहतर काम हुआ या इस बार क्या सोच रहे हैं वोट करने? भाई बहुत अच्छा काम हुआ, देखो मेरी बात सुनो, पता क्या मैटर है, जो गलत आदमी है उनको गलत फील हो रहा है, जो आदमी सही है उन्हें सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो सही काम कर रही है और सही करती रहेगी। मैं तो यही चाहता हूँ कि दोबारा भी यही सरकार आवे। बीजेपी की बात कर रहे हैं, डबल इंजन की बात, कितना बेहतर हुआ इस सरकार? बहुत अच्छा काम हुआ, देखो हम वो नहीं करना चाहते, बहुत अच्छा काम हुआ। देखो जो गलत आदमी है उन्हें गलत हो रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत कर रहे हैं उनके साथ इसलिए गलत हो रहा है, ठीक है, जो बंदा सही है उसके साथ कोई गलत नहीं हो रहा और उसको कोई गलत। क्या नाम है आपका? मुरसलीन। ये बता रहे बीजेपी सरकार में सब बेहतर हुआ, कितना बेहतर हुआ इस सरकार में? देखो जिनने करना दो नंबर का काम उनके लिए तो खराब, और जिसने अपना काम था काम है उनके लिए तो अच्छी, और ये उनकी 100% अच्छी। आपके क्षेत्र में की अगर बात करें, कैराना लोकसभा सीट की बात करें, गंगो की बात करें, तो क्या लग रहा है इस बार यहाँ से सांसद तो प्रदीप चौधरी थे, उनका कार्यकाल कैसा रहा या इस बार जनता क्या सोचने वाली वोट करने? प्रदीप चौधरी तो सीधा आदमी है, उसके कार्यकाल में ना कहीं मरना ना जीना कहीं दिखे, नहीं 5 साल दिखे इनके, हमारे चौधरी साहब का मनीष का टिकट होगा, इसके साथ तो दब कर रहेंगे। मनीष चौहान की बात कर रहे हैं, वीरेंद्र चौधरी जी के लड़के हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जो रह चुके हैं जाने जी जी जी, इन्हें तो भले जी विधायक हम भी रहे। तो इस बार अगर उनको टिकट मिलता जनता समर्थन करने, पूरा सपोर्ट है 100 की 100। क्या बेहतर है इनमें कि प्रदीप चौधरी में वो बेहतर नहीं? यू मरने जीने में बात सुन, हमारे कान पर यहाँ ग्वांड में मदरसा बना, वो नहीं रखी गई एक मुस्लिम उसकी, इन 24 लाख का लान कराया और 500 मीटर सीसी देनी करी, आज ले लो 1 साल बाद ले लो 2 साल बाद ले लो, कोई से नेता ने भी नहीं करी, मनीष चौहान ने कराया, मनीष चौहान ने करी, और उसी दिन लोगों के इस क्षेत्र में उसी दिन छा गया, उसी दिन छा गया। ये मनीष चौहान की बात कर रहे हैं, क्या माहौल है उनका यहाँ? भाई जी बहुत अच्छा माहौल है, ठीक है ना, और रही दूसरी बात, हमने हमारे जो कुछ भाई थे दोस्त थे यार उन्हें हमने रोकने की कोशिश भी करी कि हम मैं रोके हुए, लेकिन हम नहीं रुके, मनीष भाई के लिए जान दे देंगे और भाई जान देते आ रहे हैं, ठीक है ना, हमने मनीष भाई कई बार देखे, जान ही देते हैं भाइयों, मनीष जी के लिए जान दे देंगे। जी जी बिल्कुल जी, हमारे तो उसके साथ प्रमुख साहब है बोराड़े के प्रमुख, हम तो उसके साथ हैं, जिन्हें वो कहेगा उसके साथ जाएंगे। ये बताइए साथ तो हैं, साथ तो सारी जनता रहती है, लेकिन ये बताइए काम कितना हुआ, अगर काम पे बात करें मनीष चौहान कितना तो बेहतर काम कर रहे हैं इस काल के में? अभी आए अभी आए, बाकी ने जो भी काम कहा इन्होंने कोई मने नहीं करते कभी भी, मनीष चौहान खड़े रहते हैं, फोन भी उठाते हैं, बात भी करते हैं। और ये पिछली बार आप सभी ने मिलकर सांसद को वोट दिया, प्रदीप चौधरी की बात कर रहे हैं, क्षेत्र में क्यों नहीं आ पाए जैसे आप आरोप लगा रहे हैं? अगर वो मिलते नहीं कहाँ गायब हो गए फिर? पता नहीं, लंदन घूमने चले गए, मिले ही नहीं आज, मिले नहीं 5 साल में, मिले नहीं, नहीं प्रदीप चौधरी की गेल, हमारा घर जैसा संबंध था, घर जैसा संबंध था, मिले नहीं जी, मिले नहीं, गायब हो गए, गायब कभी किरण क्षेत्र में कभी काम भी नहीं। तो इस बार कुल मिला जुला अगर देखा जाए गंगो की हवा किसकी है, कैराना में किसकी हवा चल रही है इस बार? बाल तो दिखे मनीष चौहान के, क्या कह रहे हैं? मनीष चौहान की, गंगो में मनीष चौहान की। अच्छा अगर नंबर देने की बात हो कि 10 में से मनीष चौहान को कितना नंबर देंगे और प्रदीप चौधरी को 10? हम तो 100 तभी 101 देंगे, 10 के 10 हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये तो 10 की बात करो, मनीष चौहान का फोन आ गया। हाँ जी भाई, मनीष चौहान का ही फोन आ रहा। क्या माहौल है इस बार बीजेपी का और मनीष चौहान का या प्रदीप चौधरी का इस बार? भाई जी इस बारी तो भाई मनीष चौहान का ही रहेगा, ठीक है भाई टिकट हो जाए हम तो फुल्ला भाई 200% मनीष चौहान की तरफ है भाई, बिल्कुल। अच्छा आप युवा हैं, कहते हैं कि युवाओं से दो चीज निकल के आती है, शिक्षा और रोजगार, कितना बेहतर हुआ इस सरकार में? रोजगार तो ठीक है भाई, मार दे किसान जहाँ थोड़ा बहुत अभी था, अन्य बाकी तो बस ठीक है भाई, जिसके दो नंबर के धंधे वो चल उनका चल रहा, मामा धन किसान तो बिल्कुल मरी गए भाई। हाँ। अच्छा इस बार युवा किसके साथ है इस बार? मनीष चौहान का फोन ही वाला आया, आप पे फोन भी आ गया, जनता कितनी सुनते हैं? हाँ देख लो आपकी सामी घंटी आई,
कहाँ है कि मैं बैठे पैर फोन भी आ गया आप पे, मतलब इस बार हवा जी आप देखो हाँ 22 बाद में सही कर ठीक है। ये गंगो विधानसभा है और कैराना लोकसभा सीट है, इन्होंने बताया कि अगर उनको याद करे तो फोन भी आ जाता साहब, इतनी दिलचस्प क्या की राजनीति है।